हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की जो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है किचन से। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैं हूँ अभी किचन में एंड आज का जो वीडियो होने वाला है, आप लोग ने गैस ही कर लिया होगा, आप लोग को पता ही चल गया होगा मेरे थंबनेल एंड टाइटल से कि आज होने वाला है एक कुकिंग वीडियो। एंड आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी। जी हाँ, चिकन बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपी है, कुछ ज़्यादा हार्ड या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि मैं तो शेफ या प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। जैसा मुझे आता है मैं वैसा बनाऊंगी एंड मैं वही आपको शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो आप मेरे वीडियो पे एंड तक बनी रहिए एंड इस वीडियो को देखिए, सीखिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना, बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाना। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए एंड एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे कुछ गरम मसाले हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, ब्लैक पेपर एंड इन सबको मैं अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। देन मैं इनको ग्राइंड करके इनका मसाला बना दूँगी। जब तक लाइट ब्राउन हो जाता है तब तक मैंने इनको रोस्ट करते रहना है। यहाँ पे मसाला भी मैंने बना दिया है। देन उसके बाद मैंने लिया है अदरक, लहसुन एंड हरी मिर्च, इसका भी पेस्ट बनाऊँगी मैं, इनको ग्राइंड कर दूँगी एक साथ। पेस्ट बन चुका है एंड इधर आप देख सकते हैं गरम मसाला है, ये है प्याज, टमाटर, साबुत गरम मसाले हैं एंड यह तेज पत्ता, देन यह है कर्ड दही एंड यह है फूड कलर जो कि ऐड करना है मुझे लास्ट में। एंड यहाँ पे जो मैंने लिया है बासमती राइस लिया है, इसको मैंने 4 to 5 times अच्छे से साफ़ पानी से वॉश करके इसको मैंने सोक कर दिया है फॉर 1/2 to 1 hour, ठीक है, आधे घंटे या 1 घंटे तक के लिए ये मैंने भिगोने के लिए रख दिया है। देन यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है, कढ़ाई भी गरम हो चुकी है। नाउ अब हम ऐड करेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल, मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, नाउ मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा ऐड करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें प्याज और मैं इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से पकाऊंगी जब तक कि ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है। कोई के फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो चिकन है उसको मैरिनेट करते हैं, बट मैं यहाँ मैरिनेट नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट मसाला बनाकर देन मैं बनाऊंगी। एंड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया अदरक, लहसुन एंड हरी मिर्च का पेस्ट, उनको भी अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया एंड दोनों को एक साथ पकने देंगे अब थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का पक चुका है। नाउ अब हमें ऐड करना है टमाटर, टमाटर ऐड कर दिया है मैंने, इनको एक साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है एंड मैं इनको धीमी आंच में पकाती रहूँगी। यहाँ पे टमाटर भी पक चुके हैं। अब टमाटर जब पक चुके हैं तो टमाटर पकने के बाद मैं यहाँ पे मसाले ऐड करूँगी। पहले मैंने ऐड किया है हल्दी, हल्दी के बाद मैं ऐड करूँगी मिक्स कर रही हूँ एंड कम कम आँच में मैंने पकाती रहूँगी। थोड़ा सा जब पक जाए तो मैं इसमें डाल रही हूँ अब दही, दही मैंने इसमें डाल दी है 3-4 चम्मच। आप अपने हिसाब से आपको जितना डालना है आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं नाप तोल कर नहीं डालती हूँ, जो भी डालती हूँ मैं अपने अंदाजे से डालती हूँ। अब यहाँ पर मैं दही को मिक्स कर रही हूँ अच्छे से एक साथ
एंड मैं इनको फिर थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए। जब ये पूरा मसाला अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा देन मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर कुछ प्याज हैं उनको फ्राई कर रही हूँ जो कि मैं लास्ट में ऐड करूँगी। एंड यहाँ पे मेरा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे चिकन को, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मिक्स कर रही हूँ इन्हें। मिक्स करके फिर देन मैं इसे धीमी आंच में पकने दूंगी बहुत अच्छे से। एंड इसको मैंने ढक के रख दिया है, तब तक मैं दूसरे मैंने पतीला लिया उसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है एंड जो मैंने चावल भिगो के रखे थे मैं वो डालूंगी। एंड यहाँ पे मैंने कुछ गर्म मसाले ऐड कर दिए हैं, साबुत दालचीनी है, बड़ी इलायची है, तेजपत्ता है, लौंग है, ब्लैक पेपर है एंड मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। जब तक पानी में उबाल, यहाँ पे प्याज भी पक चुका है ऑलमोस्ट एंड जब तक ये थोड़े लाइट ब्राउन नहीं हो जाते तब तक इनको अच्छे से पकाते रहना है। अब यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिया क्योंकि हल्का हल्का उबाल आने लग गया था पानी में, तो मैं सारा चावल ऐड कर दूंगी एंड इनको पकने दूंगी। तो यहाँ पे जो चिकन है वो भी पक चुका है एंड मैंने एकदम सिम गैस में ढककर इसको पकाया है। एंड जो चिकन है मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। बस इसमें मैंने जो एक चीज़ जो फिर एक और चिकन का लेयर डालना है इसी तरह से। इसके बाद हम एक और चावल का लेयर डालेंगे। हमें ऐड करना है फूड कलर, मैंने ऊपर से फूड कलर ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ फ्राई अनियन एंड हम थोड़ी देर बिरयानी को सेट होने के लिए छोड़ देंगे देन लास्ट में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा जो बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए, एकदम बिल्कुल रेडी है। तो आप भी मेरी तरह इजी स्टेप्स फॉलो करके बिरयानी बना सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं चले बिरयानी खाने, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।